नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ कुछ और बात करने वाली हूँ अबाउट द इश्यूज दैट आई एम फेसिंग इन माय सोसाइटी, जो रजिस्टर्ड बाय लॉज मुझे मिले आफ्टर अप्लाइंग फॉर आरटीआई इन द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ऑफिस। वो सारे बाय लॉज और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन गुजराती में है। द कवर नोट इज इन इंग्लिश बट बाकी पेजेस गुजराती में है, आप उसका स्नैपशॉट देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुजराती एज अ लैंग्वेज मैंने पढ़ी थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी, बिकॉज मैंने अहमदाबाद में उद्गम स्कूल से पढ़ाई करी है। सो गुजराती एज अ लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, मगर मैं इतना अभी फ्रीक्वेंटली गुजराती का इस्तेमाल नहीं करती इन माई कॉन्वर्जेसन, एंड 15-20 पेजेस पढ़ना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर मी। मगर isn't it the duty of the society committee to translate the registered bylaws and give the translation to all flat owners of Sundarvan Epitome Cooperative Housing Service Society? Because आपने कुछ एहसान नहीं किया है हमारे ऊपर। ये bylaws आपने register करवाए हैं first of all without discussing it with us, और register करवाने के बाद आपकी duty बनती है कि उसका translation कराए इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, because everybody is not Gujarati who is staying in this building। हमारे देश भारत के अंदर विभिन्न स्टेट्स हैं और विभिन्न स्टेट्स के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मगर जो लोग इंटर स्टेट लिविंग करते हैं उनको वो पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज नहीं पता, तो दैट डज नॉट मीन दे आर डिसरिस्पेक्टिंग द लोकल लैंग्वेज। क्योंकि जब मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर बात करी, बिकॉज आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद द सो कॉल्ड सोसाइटी कमिटी मेंबर्स वाया माय फादर्स मोबाइल, बिकॉज मेरे फादर कुछ मैसेजेस टाइप करते हैं, कुछ मैसेजेस वो बोलते हैं कि मैं टाइप करूं, बिकॉज ही इज ओल्ड, ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू टाइप सच लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस। मगर जब मैंने बोला सोसाइटी वालों को कि ये रजिस्टर्ड बायलॉज मुझे मिल गए हैं, मैंने आरटीआई अप्लाई किया, ये गुजराती में है, आप इसका ट्रांसलेशन करवा के दीजिए, तो ये लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते, आप एक डिक्शनरी लीजिए, विच इज़ वेरी इलॉजिकल। जब आपने मेरे से 1 लाख रुपया लिया इन सो कॉल्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट अजम्पशन जो मेरी थी, फिर आपने 42,000 का चेक लिया जो 3 महीने का मेंटेनेंस था, तब आपने क्यों नहीं बोला कि आप बैठ के हमको ट्रांसलेट करके भी नहीं देंगे वो लॉज जो आपने हमसे पूछे बिना रजिस्टर कर दिए? उसके बाद मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने सोसाइटी बनने के बाद कोई फॉर्म नहीं भरवाया हमसे। हम मेंबर्स बनेंगे सोसाइटी के, तब जाके हम सोसाइटी का मेंटेनेंस दे पाएंगे, तब जाके हम सोसाइटी के डिवेलपमेंट के लिए कोई फंड दे पाएंगे। हमसे नियरली 1,42,000 लेने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि सोसाइटी बनने के बाद एक फॉर्म भरा जाता है, फिर ये पैसे लिए जाते हैं, और सोसाइटी बनने के बाद शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और कोई भी फ्लैट ओनर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है एक्सेप्ट द कमिटी मेंबर्स, इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द गुजराती वर्जन। यहाँ पे लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो सकता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आई है। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का फाइंड आउट कर रही हूँ थ्रू अ ट्रांसलेटर, बट आई एम बीइंग गिवन कॉस्ट लाइक 10,000 रुपीज लगेगा ट्रांसलेशन का, तो मैं अपने पैसे से ट्रांसलेट भी कराऊँ, मैं अपने पैसे से लॉयर भी रखूं, और मैं पैसे दूं सोसाइटी की कमिटी को, और वो सोसाइटी की कमिटी मेरे ही पैसे से एक लॉयर रखेगी मेरे खिलाफ इफ दिस थिंग गोज इनटू लिटिगेशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक, क्योंकि यहां पर मैं अपने निजी फायदे के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रही हूं। सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी के अंदर कुछ 44 और 45 फ्लैट्स है, और सब फ्लैट ओनर्स के लिए मैं ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूं, क्योंकि यहां पर शेयर सर्टिफिकेट हमें नहीं दिए गए, तो आई प्रिज्यूम बहुत सारे लोगों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए गए होंगे, और हमसे पैसे लिए गए हैं विदाउट इवन एडमिटिंग अस इन द सोसाइटी बाय फिलिंग अ फॉर्म व्हिच इज अ लीगल प्रोसीजर। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर समझते हैं कि वो जो भी कानून पास कर रहे हैं वो डीप थिंकिंग के साथ पास हो रहे हैं, बिकॉज सीनियर मोस्ट लॉयर ने अप्रूव किया है। मुझे पता चल रहा है वो सीनियर मोस्ट लॉयर कौन है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के अंदर भी एक सीनियर मोस्ट लॉयर है, बट टिल इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड आई कैन नॉट टेक नेम्स। मगर मैं यहाँ पे इतना कहना चाहती हूँ कि चाहे लॉयर सीनियर मोस्ट हो या स्ट्रगलर हो, एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन मेरिट, नॉट ऑन सीनियोरिटी। यहाँ पर अगर हम कोर्ट में जाते हैं देन एवरीथिंग गेट्स डिसाइडेड ऑन मेरिट, नॉट ऑन सीनियोरिटी ऑफ अ लॉयर। आपकी थिंकिंग अगर इलॉजिकल है, अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, चाहे सीनियर मोस्ट लॉयर ने नहीं क्यों वो ड्राफ्ट नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल बायलॉज का प्रपोज ड्राफ्ट था जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे जिससे मुझे आपत्ति थी, उसके अंदर एक क्लॉज था कि अगर एक मॉब आ जाता है आपकी सोसाइटी के बाहर, चाहे गवर्नमेंट मॉब हो या नॉन गवर्नमेंट मॉब हो, और वो मॉब सोसाइटी के अंदर घुस जाता है और कुछ तोड़फोड़ करता है, तो उसकी वजह से जो भी तोड़फोड़ होती है उसका इल्ज़ाम वो मेंबर के ऊपर जाएगा जो मेंबर के नाम से वो मॉब अंदर आया है। एक्सक्यूज़ मी, मेंबर की क्या गलती? मेंबर ने तो मेंटेनेंस का पैसा दिया है, वो मेंटेनेंस के पैसे से आपने सिक्योरिटी को रखा है, तो सिक्योरिटी को पकड़ो ना। और आप ऐसे इमेजिनरी मॉब की कहानी कैसे सेल कर सकते हो? मतलब जो इंसान पब्लिक फिगर है वो सोसाइटी में रह नहीं सकता, वो फ्लैट में रह नहीं सकता, वो अकेले जाके रहे। व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इज दिस? तो ये जो क्लॉज था मुझे बिल्कुल जमा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मेरे पे इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में वो बूंदी वाला इंसिडेंट हुआ था। जब वो बूंदी वाला इंसिडेंट हुआ था और राजस्थान पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी, तब वहां से रिहा होने के बाद मेरे को यहाँ पे सोसाइटी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और तभी सोसाइटी बिल्डर के कंट्रोल में थी, ना के यू नो सोसाइटी कमिटी बनी हुई थी। मतलब उसके बावजूद, बिल्डर के कंट्रोल में होने के बावजूद, ये बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी ने मेरे को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया कॉमन एमिनिटीज में, ये कहकर कि इट इज नॉट अलाउड। उस समय मैं ऑब्वियसली जेल से छूट के बाहर आई थी, तो मैंने कुछ यू नो ऑपोजिशन नहीं किया, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू क्रिएट अननेसेसरी रकस, बट दैट वॉज इलीगल, बिकॉज उस समय ये कॉमन प्रॉपर्टीज के ऊपर किसी का भी राइट नहीं था, सोसाइटी कमिटी का तो बिल्कुल भी नहीं था, ना 7/12 का कागज आया था, everything was under builders control, मगर उसके बावजूद सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और बाकी कमिटी मेंबर्स ने मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी एट कॉमन एमिनिटीज एरिया, जिसके ओनर अब हम सब लीगली है, सारे फ्लैट ओनर्स, क्योंकि हम सब के पास 7/12 का कागज है। तो ये लोग पहले से ही मेरी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं हाफ इंफॉर्मेशन देके। तो जब इन्होंने अब ये सो कॉल्ड जनरल ड्राफ्ट भेजा बायलॉज का, तो मैंने जाके RTI फाइल किया, बिकॉज इसके अंदर कितने बकवास क्लॉजेस है। मतलब मैं सांस ही नहीं ले सकती अपने खुद के फादर के घर के अंदर। साथ में मैं बाकी फ्लैट ओनर्स को कहना चाहती हूँ, अगर कुछ पॉइंट्स मेरे को अटैक कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके बच्चों के लिए भी डिट्रीमेंटल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में कोई Zomato का डिलीवरी गाय आए या कोई दूसरा पार्सल डिलीवरी गाय आए, और आते जाते उसने अगर सोसाइटी का कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान आपके घर में आया, एज पर द प्रपोज जनरल बायलॉज ड्राफ्ट, जो सोसाइटी समझती थी कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कोई जाके RTI फाइल नहीं करेगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस के अंदर, जो मैंने किया। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बाकी फ्लैट ओनर्स को जिनके बच्चे हैं, जो ऑब्वियसली डिलीवरी मंगाते हैं Zomato से या पार्सल्स मंगाते हैं Amazon से, अगर वो Zomato Amazon का डिलीवरी गाय गलत होगा और उसने कुछ तोड़फोड़ कर दी, 50 रुपए के आइटम के लिए क्या आप 1000, 10,000, 5,000, 5,000 का भुगतान करेंगे? नहीं, इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर सोसाइटी के अंदर मॉब आता है, इट इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको पुलिस बुलानी चाहिए। अगर कोई गलत Zomato डिलीवरी बॉय गलत चीज करता है पब्लिक एरिया में, देन आपको वो Zomato डिलीवरी बॉय को पुलिस के हवाले करना चाहिए। हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Zomato डिलीवरी बॉय, बिकॉज Zomato डिलीवरी बॉय हैज बीन इन न्यूज क्वाइट रिसेंटली ओवर लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो मैं इसलिए ये सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को समझना चाहिए कि उनकी सोसाइटी के अंदर क्या लॉज पास किए जाते हैं। ये मैंने अभी समझा है, शेयर सर्टिफिकेट मिले बिना मेरे से, यानी मेरे फादर से 1 लाख रुपया का पैसा लिया गया है, 42,000 3 मंथ का मेंटेनेंस लिया गया है, और ऐसे कानून पास करने का प्रयास किया गया है जो मेरा गला घोटते हैं। फिर मुझे टॉन्ट दिया जाता है कि भैया आपको गुजराती समझनी चाहिए, अगर आपको गुजराती नहीं आती तो डिक्शनरी लेके बैठो। अरे भैया, मैं डिक्शनरी लेके बैठ के 15 पेजेस कैसे ट्रांसलेट करूं? मेरे पास और कुछ काम धाम नहीं है। आपने लॉज पास किए हमसे पूछे बिना रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, और जब हम आपको बोलते हैं कि क्या ये लॉज सैम्पल बायलॉज के बुक के अनुसार है, तब आप बोलते हो कि ये कॉपीराइट वायोलेशन एक्ट आप कर रहे हो, वो बुक की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के। जी हाँ, एक कोई मेंबर ने ऐसा बोला, जब कोई पेटा लॉज कुछ होते हैं गुजराती वर्ड, वो एक सैम्पल बायलॉज की बुक है जो यू नो मार्केट में अवेलेबल है, 50 रुपए की वो बुक है, तो मेरे फादर ने वो बुक की फोटोग्राफ और कहाँ से मिलती है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, तो इल्ज़ाम डाला गया कि मेरे फादर कॉपीराइट वायलेशन एक्ट कर रहे। एक्सक्यूज मी, क्या उन्होंने हर एक पेज की फोटोग्राफ खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली? अगर डाली भी होती तो वो तो इंफॉर्मेशन है ना सोसाइटी वालों के लिए, वो कैसे कॉपीराइट वायलेशन एक्ट के लिए यू नो क्वालिफाई हो जाता है? तो मतलब आप समझ सकते सकते हैं कि मैं किस प्रकार के एजुकेटेड लोगों के साथ डील कर रही हूँ, या ये जानबूझ के डम बन रहे हैं, जानबूझ के फियर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फियर क्रिएट किया गया कि फार्मर्स की जमीन छीनी जाने वाली है बाय द न्यूली पास्ड एग्री बिल्स। मेरे को समझ नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर इनको कोई मॉब के बारे में पता है, क्योंकि ये अगर 2019 की कहानी बेचने वाले हैं अभी सोसाइटी के अंदर टू फॉर्म सर्टन रूल्स विच रिस्ट्रिक्ट्स माय फंडामेंटल राइट्स, तो मुझे जानना है कि ये कौन सा मॉब है जिसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन है। और अगर इनको इस मॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो इस मॉब के इन्फॉर्मेशन को इनको पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। हाउ कैन दे कर्टेल माय फंडामेंटल राइट्स? तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ चीजें समझने का प्रयास कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट परफेक्ट हियर। आई नीड हेल्प ऑफ लॉयर्स एंड पीपल हु नो गुजराती लैंग्वेज फ्लुएंटली, बिकॉज यहाँ पर मैं कोई रीजनल लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मगर अगर मुझे वो लैंग्वेज फ्लुएंटली नहीं पता तो मैं कैसे उस लैंग्वेज को समझकर अपने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। मुझे ऑब्वियसली पहले वो चीज़ को एक लैंग्वेज में समझना पड़ेगा जो लैंग्वेज को मैं फ्लुएंटली जानती हूँ, फिर मैं अपना पॉइंट रख सकती हूँ। मगर इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी, द सोसाइटी के मेंबर्स आर सेइंग दैट आई शुड टेक अ डिक्शनरी एंड फिगर आउट द बायलॉज एंड फिगर आउट देयर लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी के मेंबर्स और कमेटी वालों को कि देखो, मेरी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मैंने आप लोगों का नाम तक नहीं लिया, बिकॉज प्लीज इमेजिन अगर मैं यहाँ पर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर बात कर रही हूँ, तो आई रियली डोंट वांट टू डू दिस एंड गेट इनटू सच छोटे मोटे फाइट्स। मगर जस्ट बिकॉज योर लॉज, योर सो कॉल्ड ड्राफ्टेड बाय लॉज आर टारगेटिंग माई फंडामेंटल राइट्स, आई हैव मेड एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड बाय लॉज, मगर आप यहाँ पे मेरे पे तोहमत नहीं लगा सकते कि मैं अपने फादर का फ़ोन इलीगली यूज़ कर रही हूँ। वो मेरे फादर है, मैं उनका फ़ोन, उनके ईमेल, इनफैक्ट मैं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी हूँ उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर, सो आई एम एक्सेसिंग ऑल दिस लीगली एज हिज डॉटर। हमारे घर में जेंडर इक्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि लड़का कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, हमारे घर में जेंडर इक्वालिटी है। जो बड़ा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है अपने बड़प्पन के अनुसार। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लॉजिक समझिए, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑब्वियसली जो लेडीज़ होंगी जो मेरा वीडियो सुन रही होंगी वो समझेंगे कि उनको ये सब के बारे में नहीं पता, बिकॉज लेडीज ग्रुप में ये सब डिस्कस नहीं होता। हमारी सोसाइटी के अंदर लेडीज ग्रुप में सिर्फ किटी पार्टी डिस्कस होती है, जेंट्स ग्रुप में ऑब्वियसली बायलॉज और पायल के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की डिस्कशन होती है कि पायल फॉल्स एलिगेशंस कर रही है, इसलिए पायल ने डिसाइड किया है कि किसी को पर्सनली आंसर करे बिना वो सिर्फ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी, क्योंकि उसे अटैक किया जा रहा है उस सराउंडिंग के अंदर जिस सराउंडिंग के अंदर वो पीसफुली रहना चाहती है। यहाँ पर सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं ये सराउंडिंग का इस्तेमाल कर रही हूं अपने करियर को पुश करने के लिए, तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि सोशल अवेयरनेस के ऊपर बात करना, करियर को पुश करना है, देन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो भी फ्री में काम करते हैं और वो कहते हैं कि वो सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन येट, मगर फ्री में काम करना इज नॉट अ क्राइम एंड सोशल अवेयरनेस करना इज नॉट अ क्राइम। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज पीपल जो अपनी सोसाइटी के अंदर अपने सेक्रेटरी, चेयरमैन, कमिटी मेंबर्स से खुश नहीं है, जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, दबाते हैं बाय नॉट गिविंग देम गाइडेंस। तो दिस इज वाई आई एम टेकिंग अप दिस कॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायलॉज। मैं इसके लिए एक इंग्लिश बुक पढ़ रही हूँ, गुजरात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट। ये बुक की फोटोग्राफ भी ये शेयर करी जा रही है, आपके साथ PDF फाइल भी शेयर करी जा रही है ऑफ द गुजराती बायलॉज जो रजिस्टर किए गए रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, सो दैट आप लोगों को समझ पड़े कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर मी टू डू ऑल दिस। ये चीज़ें करके मेरे को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ अटैकिंग माई फंडामेंटल राइट। ये कह के टिल वी टॉक अगेन, नमस्ते, जय हिंद।